तो हेलो दोस्तों। तो यार काफ़ी सारे लोगों को अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि जब भी वो अपनी YouTube वीडियो को अपलोड करते हैं तो अपलोड करने के बाद यहाँ पर उनकी जो YouTube वीडियो की क्वालिटी है वो यहाँ पर मेंटेन नहीं हो पाती है। उनकी YouTube वीडियो की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो काफ़ी सारे लोगों ने अक्सर मुझसे इस इशू के बारे में पूछा है कि हम अपनी YouTube वीडियो की जो क्वालिटी है उसको आफ्टर अपलोडिंग भी कैसे मेंटेन रखें, कैसे सही रखें। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से इसी बारे में बात करने वाला हूं कि किस तरह से आप अपनी YouTube वीडियो को अपलोड करें या फिर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो क्लास तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे YouTube चैनल जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी, जब मैंने उनकी YouTube चैनल पर जाकर देखा तो मेनली मुझे उनके YouTube चैनल पर दो ही तरह की प्रॉब्लम दिखी वीडियो क्वालिटी की मेंटेनेंस को लेकर। जब भी वो यहाँ पर अपनी YouTube वीडियो को अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते थे उनके साथ दो ही सिनेरियो होते थे। और अगर आप इन दोनों सिनेरियो को अच्छी तरह से समझ जाते हैं और ये मिस्टेक्स अपनी वीडियो में आप अगर नहीं करते हैं तो उसके बाद आप 100% अपनी जिस भी YouTube वीडियो को अपलोड करेंगे वो यहाँ पर आपको बेटर क्वालिटी में देखने को मिलेगी और उसका जो रिजोल्यूशन है वो भी आपको यहाँ पर काफ़ी हाई देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर करते हैं रिजोल्यूशन को ही लेकर। काफ़ी सारे लोगों के साथ ये समस्या आती है कि जब भी वो अपनी YouTube वीडियो को अपलोड करते हैं और अपलोड करने के बाद जब वो अपनी YouTube वीडियो की क्वालिटी चेक करते हैं अपलोड करने के बाद, तो यहाँ पर उनकी YouTube वीडियो में फुल HD के ऑप्शन ही नहीं आते हैं। काफ़ी सारे लोगों की जो यहाँ पर जो वीडियो है वो यहाँ पर 240, 480 या फिर 720 तक के रिजोल्यूशन में ही उन्हें दिखाई देती है। जबकि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर जो फुल HD का रिजोल्यूशन होता है वो यहाँ पर 1080 ही होता है, जो कि जिसमें मोस्टली YouTube की सभी वीडियोस जो है वो अपलोड होती हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को ये जो रिजोल्यूशन है ये उनकी YouTube वीडियो में देखने को मिलता ही नहीं है जब वो वीडियो को अपलोड करने के बाद चेक करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि आपको इसे फिक्स कैसे करना है, उसके बाद हम दूसरी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसके लिए आप सिंपली ये कर सकते हैं कि चाहे वो फिर यहाँ पर मोबाइल से एडिट करते हों चाहे लैपटॉप से एडिट करते हों, देखिए वीडियो आपने किसी भी सोर्स से शूट किया हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वीडियो आपने मोबाइल से बनाई हो, कैमरे से बनाई हो या किसी भी डिवाइस की मदद से आपने वीडियो शूट करी है। आप जिस भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी वीडियो को एडिट कर रहे हैं उसमें ही आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके बाद आपकी YouTube वीडियो की जो रिजोल्यूशन है वो आपको हाई डेफिनेशन में देखने को मिल जाएगी, यानी 1080p में देखने को मिल जाएगी। उसके लिए आपको सिंपली ये करना है कि जब आप अपनी वीडियो में एडिटिंग का काम खत्म कर लेते हैं उसके बाद आपको वहाँ पर जो है वो एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। सिंपली एक्सपोर्ट के ऑप्शन में जाने के बाद वहाँ पर कई बार आपको जो है वो रिजोल्यूशन देखने को मिलता होगा, जिसे कई बार लोग जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स जो है वो देखने को मिल जाती हैं और लोग यहाँ पर उन सेटिंग्स को ध्यान दिए बिना डायरेक्ट वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट पे लगा देते हैं। वहाँ पर आप जो भी रिजोल्यूशन ऐड करते हैं, यानी कि 240, 480, 640, 720 या फिर 1080, तो वीडियो को सेव करते समय आप वहाँ पर जो है वो फुल HD यानी 1080p पर ही अपनी वीडियो को शूट करें। उसके बाद जब अपनी वीडियो को अपलोड करके देखेंगे तो वहाँ पर आपको 1080p आपको YouTube वीडियो में भी चलते हुए देखने को मिल जाएगा। बट मैं आपको बेटर क्वालिटी के लिए यही सजेस्ट करूंगा कि यदि आपको फुल HD में ही वीडियो चाहिए तो आप कोशिश करें उसे फुल HD में ही शूट करें और बाद में वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी जो है वो उसे फुल HD में ही एक्सपोर्ट करें। कई सारे लोगों के साथ ये भी दिक्कत आती है कि उनकी YouTube वीडियो जब फुल HD रिजोल्यूशन में भी होने के बावजूद यहाँ पर उनकी वीडियो की जो क्वालिटी है वो उतनी बेटर नहीं होती। इवन फुल HD में यानी कि 1080p में भी डालने के बाद उनकी जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लरी दिखाई देती है, उनकी वीडियो जो है वो उतनी एक्चुअल नहीं होती, उसके डिटेल उतने बढ़िया नहीं होते। तो देखिए इसके लिए भी वही कहानी है कि आपका जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें लास्ट में जो आपको एक्सपोर्ट वाली सेटिंग देखने को मिलती है वहीं का सारा खेल है। अगर वहां पर आपने रिजोल्यूशन 1080 तो डाल दिया है बट उसके नीचे ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है बिट रेट का। अब काफ़ी सारे लोग यहां पर बिट रेट को नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या होता है, इसका क्या मायने रखता है, लेकिन यहां पर आपकी जो वीडियो क्वालिटी होती है जिसे आपने एडिट किया है और जिसे आप अपलोड करना चाहते हैं टोटली उसकी क्वालिटी उसके बिट रेट पर डिपेंड करती है। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि जैसे ही वो अपना बिट रेट बढ़ा रहे हैं उनकी YouTube वीडियो का जो फाइल साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इस डर की वजह से वो अपनी वीडियो का जो बिट रेट है उसे काफ़ी ज़्यादा घटा देते हैं। तो मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को रिकमेंड करूँगा कि यदि आप अपनी वीडियो एडिटिंग की फाइल को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं भी करना चाहते हैं,
उस केस में भी आप कोशिश करें कि आपकी YouTube वीडियो का जो बिट रेट है वो एटलीस्ट मीडियम यानी हाफ पे होना चाहिए, जो भी आपका स्केल होता है, या फिर मीडियम या हाफ से थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी आप रख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप बिट रेट रखेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। ज़रूरी नहीं 100% बिट रेट बढ़ाने से आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, बट मीडियम या उससे ऊपर रखेंगे तो उस केस में आपको वीडियो का जो फाइल साइज है वो भी काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिलेगा, और जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव देखने को मिल जाएगी। सो आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।